हेलो, माय नेम इज आदेश व्यास एंड आई एम फ्रॉम जयपुर। तो आपके लिए मैंने आपकी रिक्वेस्ट के तौर पे ही वीडियो बनाई है। आपको जैसे कि स्क्रीन पे देख के पता ही चल रहा होगा कि एक सामने छत है और एक पीछे छत है, यानी आमने सामने के पेज लड़ेंगे लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट पे। तो आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है और इसके अंदर मैं आपको काफ़ी और भी एक्स्ट्रा पेज बताने वाला हूँ जो कि आपकी स्किल्स को बहुत ज़्यादा अपडेट कर देंगे। तो काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रिक होने वाली हैं, तो आप जो कि वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि डिस्टेंस ध्यान रखें कि अगर आपके अपोनेंट एवं आपसे डिस्टेंस उसका कितना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर 10 टू 30 मीटर है तो आप उसको नीचे से आने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें अगर वो आपसे काफ़ी पीछे है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जितना भी अगर प्लेयर आपके पीछे है तो उसे आप नीचे का पेज नहीं दें। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हाइट देखें कि सबसे ज़्यादा हाइट पर कौन पेच लड़ा रहा है, ठीक है, यानी किसकी रूफ टॉप या टेरिस छत पे जो कि है वो हाइट पर है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो भी जितना हाइट पे होगा तो वो जो कि है वो ऊपर से ही पेच लड़ा है तो बेस्ट है। अगर ध्यान रखें अगर आपका अपोनेंट या फिर अगर आप 100-230 मीटर प्लस पीछे की तरफ से हैं तो जो कि है वो नीचे से पेच ना लड़ाए। अगर आपका अपोनेंट पीछे की तरफ से है तो आप जो कि उसे नीचे का पेच ना दें। इस कंडीशन में यह होता है कि आपके अपोनेंट की डोर यानी थ्रेड बहुत जल्दी टच हो जाती है और रिजल्ट तुरंत मिल जाता है। तो आपका अपोनेंट अंदर की तरफ आएगा तेजी से और वो पतंग को खींच देगा तो आपकी पतंग कट जाएगी। तो इसके पीछे रीज़न यही होता है कि डोर बहुत जल्दी टच हो जाती है, आप इसमें मूवमेंट करें उससे पहले ही रिजल्ट मिल जाता है और आपकी पतंग कट जाती है बिकॉज आपका अपोनेंट की डोर बहुत जल्दी टच हो जाती है। इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप जो कि अपनी पतंग को नीचे से लड़ाएं अगर आपका अपोनेंट यानी आपका विद्रोही पीछे से हो तो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। तो आप जो कि अगर आपका प्लेयर पीछे से है तो ध्यान रखें कि आप उसको जो कि है पेज ऊपर से ही दें। और दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी लोगों ने कहा है कि खड़ी पतंग को काटना मुश्किल होता है, तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है, जब भी आप पतंग को लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से पतंग को खींचते हो तो इस समय आप अपने अपोनेंट के हाथ की तरफ पतंग को खींचते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वजह से आपकी पतंग कट जाती है। अपोनेंट के हाथ की तरफ से पतंग को खींचने का मतलब यह होता है कि सबसे पहले मैं आपको हर चीज़ अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करने से पहले आप मेरी ओल्ड वीडियोस को देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको साइड एंगल देके समझाया है। अगर सीधा एंगल है, बिल्कुल स्ट्रेट आमने सामने खड़े हैं तो कभी भी आप खड़ी पतंग पर जो कि है खींचमतानी बिल्कुल ना करें, लेकिन अगर आपका एंगल थोड़ा सा भी तिरछा बनता है तब आप इस प्लेन को गद्दा मार के या फिर तिरछा 45 डिग्री पे आप पतंग को खींचकर काट सकते हैं। इसे कहा जाता है झोल, जो कि पतंग की सबसे ज़्यादा कमज़ोर अवस्था होती है। जी हाँ दोस्तों, इससे आप पेज को आसानी से काट सकते हो। और इस एंगल को कहा जाता है फेस यानी मुड्डा। तो ये चीज़ें आपको जो कि है वो ध्यान रखने वाली होती हैं। और इसे कहा जाता है हाथ, जिसमें आपके अपोनेंट ने पतंग को पकड़ा होता है तो उस दिशा को कहा जाता है हाथ, और पतंग की दिशा की तरफ कहा जाता है पतंग का फेस यानी मुड्डा भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसका जैसे कि कई लोग बोलते हैं मुंह पकड़ रहा है या फिर एनीथिंग, ठीक है। और बीच वाले हिस्से को कहते हैं पेठा, जहां पर पतंग को अपन खींचकर इस तरीके से काट सकते हैं आसानी से। तो जिस पतंग का झोल यानी जो थ्रेड की सबसे ज़्यादा कर्व अवस्था होती है उसी को कहा जाता है पतंग का झोल, तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, आप उधर से पतंग को आसानी से काट सकते हो। सबसे पहले ध्यान रखें अगर हवा सीधी है और आपको पेज सीधा लड़ रहा है तो आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही बात होती है कि आप जो कि पेज है वो सीधा बिल्कुल भी नहीं लड़ाएं। अगर पेज सीधा लड़ता है तो डिस्टेंस बहुत कम करके रखें। जी हाँ दोस्तों, आप पतंग को बहुत कम करके पेच को लड़ाएं, जितना एंगल ज़्यादा करके लड़ाओगे उतना ही आपके पेच में, कहने का मतलब आपके हाथों में ही पेच लड़ता है। तो आप जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको अभी डायग्राम देके समझाया था थोड़ा सा, कि आप या तो राइट साइड से लड़ाएं या फिर लेफ्ट साइड से लड़ाएं, ठीक है। तो अगर राइट साइड से लड़ाओगे या फिर लेफ्ट साइड से लड़ाओगे तो आपका पेच हाथों पर बिल्कुल भी नहीं लड़ेगा बिकॉज छत पर जो कि कुछ इस तरीके से ही कंडीशन होती है। लेकिन मैं आपको कुछ पेच समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर सीधा पेच है और आपको पतंग को खींच कर लड़ाना है तो ये केवल उनके लिए ट्रिक बता रहा हूँ जो कि लड़ाने में काफ़ी अच्छे हैं। और वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये ट्रिक किस किसने आजमाई है, और नहीं आजमाई है तो ये ट्रिक आप आजमा के देखें, ठीक है।
तो आपको करना ये है कि आपके अपोनेंट के बिल्कुल पास में जाना है, लेकिन ध्यान रखना डोर टच ना हो इस कंडीशन पे, और आपको धीमे धीमे पतंग को पास में लेकर जाना है, ठीक है। थोड़ा सा मोटा ऊपर रखना है, जैसे ही आपको मौका मिलता है, ठीक है, मौका मिलता ही पतंग को आपको बिल्कुल सीधा खींच देना, ठीक है। तो ये वही मतलब इसको इस्तेमाल करें जो लड़ाने में काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। और मैं आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि आपको जो कि है पेच लड़ाने से पहले इन सब पेचों को ट्राई करना पड़ता है, तो 2-3 बार आप पेच को ट्राई करें। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आती है तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो कि है 2-3 बार वीडियो को देखें, और वीडियो देखने के बाद ही आप इसको रिजल्ट अजमाएं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये वीडियोस उनके लिए है जो केवल इंडिया से पेच लड़ाते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि 1-2-3 या फिर ऐसे नॉर्मल डोर से लड़ाते हों, ठीक है दोस्तों। तो आप पेज देख सकते हो इस समय मैं किस तरीके से पेज बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस समय जो कि है मैंने जैसे कि अभी आपको एंगल देके समझाया कि आप अपने अपोनेंट को नीचे से नहीं आने दें, तो मैंने इस पेज के अंदर अपने अपोनेंट को नीचे से बिल्कुल नहीं आने दिया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि अगर हवा सीधी है तो आप राइट तरफ या फिर लेफ्ट साइड, ठीक है, तो इस समय लड़ाएं। तो इस समय मैंने पेज को जो कि वो राइट साइड में कर दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको एक बार वापस समझाता हूँ। अगर एयर सीधी है तो आप पतंग को राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड करने की कोशिश करें, थोड़ी बहुत हवा से जो कि बेहवा करें ताकि पेज आपके हाथ में ना लड़े। और आपने अभी जो मार करके गोल देख गया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि थ्रेड की एंगल इस तरीके से कुछ हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो अब कैसे पेच लड़ाना है, इसमें किस किस तरीके से पेच लड़ सकते हैं, तो मैं वो बताने की आपको कोशिश करता हूँ। आई होप कि आपको जो कि है वो पेच समझ में आएंगे। और मैं आपको बताता हूँ, जिसने भी पेच अगर अच्छे से लड़ाए हैं तो उसको जो कि है वो आसानी से ये सब पेच जो कि है पता चल जाएंगे और समझने में भी आसानी हो जाएगी। लेकिन जो पेच ढील से लड़ाते हैं या फिर मतलब थोड़े से बच्चों वाले पेच लड़ाते हैं, तो उनके लिए समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो कि है इस वीडियो को 2-3 बार देखें और वीडियो को की कोशिश करें, ठीक है। और कमेंट करने से पहले मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी ओल्ड वीडियोस को देखें ताकि आपको गद्दा पट किसे कहते हैं वो सब चीजें समझ में आ जाए। हालांकि थोड़ी बहुत मैं आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो जैसे जैसे आपको समझ में आएगी। ध्यान रखें, आप पतंग को सीधा खींचकर भी आसानी से काट सकते हैं, लेकिन आपको मौका देख के। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको अपोनेंट जो कि इस तरह से गद्दा मारे यानी 45 डिग्री पे, तो आपको भी 45 डिग्री पे ही गद्दा मारना है, बिकॉज इसके अंदर पावर बहुत ज्यादा होती है। अगर आप बिल्कुल बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ पतंग खींच रहे हो नीचे की तरफ, तब आपकी खींच बहुत ज्यादा तेज होनी चाहिए। तो छत पे मोस्टली काफी लोगों की खींच कम होती है, यानी आपको छत का एंगल देख के पतंग को खींचना पड़ता है। तो ध्यान रखें, अगर आपकी खींच तेज है तभी ऊपर की तरफ मुड्डे पे खींचे, अगर कोई इस तरीके से मुड्डा बनाता है तो, मुड्डा यानी फेस यानी पतंग का एंगल जो कि इस तरीके से बनाता है तो। सेकंड टिप जो कि है, मैंने आपको काफी टिप्स दे दी हैं, तो इसके अंदर आप देख सकते हो इसे, इस एंगल को कहा जाता है पट, यानी गद्दा पतंग को बिल्कुल स्ट्रेट उतारने को ही कहा जाता है गद्दा एवं पट, ठीक है। तो ये वर्ड इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको करना यह है, अगर आप राइट साइड से उड़ा रहे हो और आपका अपोनेंट लेफ्ट साइड से उड़ा रहा है और पतंग को सीधा पट कर रहा है, तब आपको क्या करना है, तब आपको पतंग को तेजी से जो कि है उसके हाथ की तरफ पतंग को खींचना है, यानी आपको अपने अपोनेंट की तरफ ही पतंग को खींचना है। तो आप थ्रेड की एंगल देख सकते हो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। लेकिन हाँ दोस्तों, पतंग को आप अपने अपोनेंट की तरफ तेजी से खींचे और खींचने के बाद जो कि वो जोर जोर से झटका मारे, लेकिन आपकी पतंग का मुंह भी जो कि है वो बिल्कुल आपके अपोनेंट की हाथों की तरफ ही होना चाहिए, और पतंग को जो कि आप जोर जोर से झटका मारे, जोर जोर से झटके मारने को ही कहा जाता है थपक्का। जी हाँ दोस्तों, जोर जोर से झटका मारने को कहा जाता है थपक्का, ठीक है दोस्तों। और एक चीज कि काफी लोगों ने पूछा है कि सीधा गद्दा कब मारा जाए, यानी पतंग को स्ट्रेट कब उतारा जाए। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रेट को पतंग जब उतारते, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, पतंग को आपको बिल्कुल धीमे 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 खींचना होता पड़ता है, और उसके बाद जो कि आप पतंग को तेजी से उतारें। जी हाँ दोस्तों, पतंग को आपको धीमे धीमे खींचना है, उसके बाद जो कि तेजी से खींचे, तो ये पतंग को पट करने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका होता है। अगर कोई बाहर की तरफ पतंग खींचता है तभी आप जो कि गद्दा सीधा मारें। ध्यान रखें दोस्तों, पतंग को सीधा मारने का तरीका यही होता है जब आपका अपोनेंट बाहर की तरफ खींचे, या फिर आप उसकी झोल या फिर पेटे पे हो तो आप पतंग को स्ट्रेट करके उतार के काट सकते हो। ठीक है, सेकंड पेच आप देख ही सकते हो कुछ इस तरीके से आ चुका है। इस समय अगर आपका अपोनेंट आपके हाथ की तरफ खींचा है तो आपको जोर जोर से थपकी मारनी है। और दोस्तों, थपकी देख लीजिए, इस कंडीशन यानी आपका अपोनेंट बाहर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, लेकिन आपकी तरफ ही पतंग को खींच रहा है, तब आपको जोर जोर से झटके मारने हैं। इसमें काफी बार आपकी पतंग सकती है, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा तब आपकी पतंग कटना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।
तो ये कुछ छोटी छोटी टिप हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जोर जोर से झटके मारने को कहा जाता है थपक्का, ये सीधी लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ वर्ड्स और कुछ टेक्निक और ट्रिक्स पता चल जाए। जैसे कि हम पतंग को बढ़ाने के लिए या फिर पतंग को आगे की तरफ करने के लिए जोर जोर से पतंग के अंदर ठुमकी मारते हैं, लेकिन उस समय जो कि हमें ठुमकी में ढील नहीं देनी पड़ती और जोर जोर से झटका मारना पड़ता है। तो आपको इस चीज़ को प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने से आपको जो कि है वो पतंग जो कि है आसानी से लड़ाने को मिल जाएगी। तो एंगल देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से आपका अपोनेंट का एंगल है। और मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको एक चीज बता देता हूँ, पतंग जो कि अगर आपको थपक्का मारने के लिए यूज करनी है तो आप जो कि उसके अंदर मीडियम, जी हाँ दोस्तों मीडियम पतंग यूज करें, और काफी अगर साल भर रखी हुई हो तो उस पर जो कि थपकी बहुत अच्छी काम करती है। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से एंगल है, अगर आपका अपोनेंट एक ही फेस यानी एक ही एंगल में पतंग को खींचता हुआ आ रहा है तो आपको अपनी पतंग का चक्कर चेंज करना है और आपको जस्ट उसके हाथ की तरफ उतारना है। लेकिन उतारते वक्त ये चीज का ध्यान रखें, अगर आपका अपोनेंट तेज खींचता है तो वो इसी मुट्ठे पे आपकी पतंग को खींच के ले जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी ये ब्लैक कलर की पतंग है, आपके अपोनेंट की ब्लू कलर की पतंग है, ध्यान रखना, तो आपको अगर इस एंगल को बनाना है तो इस एंगल को बनाने के बाद पतंग को जोर जोर से झटके मारें। जोर जोर के झटके मारने से आपका पतंग का जो कि होता है वो मूव बहुत ज़्यादा तेज़ी करता है डोर का, तो अगर आपका अपोनेंट तेज भी खींचता होगा तो वो आसानी से कट जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपका अपोनेंट तेज खींचता है वो इस तरीके से आपकी पतंग को खींच के काट सकता है, लेकिन अगर आप जोर जोर से झटके मारेंगे तो आपके चांस बच जाते हैं प्लस काटने के। तो ये ट्रिक जो कि दोस्तों 100% वर्क करती है, लेकिन इसके लड़ाने के लिए आपको कुछ ना कुछ और ये जो मैंने पेश ट्रिक आपको बताई है तो इसका जो कि आपको ट्राई करना है, उसके बाद ही आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आई होप जितने भी लड़ाने वाले एक्सपर्ट हैं उनको तो ये सब पेश के बारे में पता ही होगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर कोई आपके पीछे से उड़ाता है लेकिन अगर वो नीचे से आ जाता है तो क्या करना है, तो आपको हमेशा एक चीज को ध्यान रखना है, उसको ज्यादातर तो अंदर की तरफ बिल्कुल भी आने नहीं देना है, उसको रोकने की कोशिश करें आप पतंग को पट करें। अगर लेकिन आपका अपोनेंट बिल्कुल अंदर की तरफ फिर भी घुसता हुआ जाता है तब आपको जोर जोर से थपकी मारनी है या फिर जोर जोर से झटके मारने हैं। जोर जोर से झटके मारने को ही कहा जाता है थपकी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप वीडियो को शेयर करेंगे। इसी तरीके से मैं एक नई नई वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और जितना मुझे आता है उतना ही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं ज्यादा आपको ज्ञान देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं दोस्तों, जितनी टेक्निक मुझे आती है मैं उतनी आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप एक्सपर्ट हैं, आप लड़ाने में अच्छे हैं, तो आप कमेंट करके बताएं क्या ये मेरी ट्रिक अच्छी है या फिर नहीं, या फिर यूजलेस है या फिर यूज के थ्रू ही बनी है। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर ट्राई करें, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो मैंने किसी भी तुलनात्मक या कंपटीशन के रूप में नहीं बनाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो भी ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो मैं आपको और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसमें दोस्तों बजट बहुत ज्यादा लग चुका है, लेकिन मैं जो कि है इस वीडियो पे 3 दिन तक बिल्कुल काम कर रहा हूं, उसके बाद मैं जो कि आपको ये वीडियो बना के तैयार कर पाया हूं। गाइस आपके सबसे ज़्यादा कमेंट इस तरीके के भी थे कि कहने का मतलब कि आपसे लिंक करने का हमें जो कि है वो कांटेक्ट नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों आपको जो कि स्क्रीन पे आईडी दिख ही रही है, ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से मेरी आईडी शो होगी आपको। और उससे पहले जो कि मैं अपनी कुछ वीडियोस को चेक कर लेता हूँ, तो मैंने हाउ टू कट अदर की जो कि पहले वीडियो भी डाल रखी है, तो देखते हैं कितने लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है। किसी ने भी शेयर नहीं किया, खैर कोई बात नहीं, कोशिश मैंने बहुत अच्छी की थी, उम्मीद किया था कि शेयर हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। अब हम सभी अपनी सेकंड वीडियोस को देखते हैं कि सेकंड वीडियोस को कितने लोगों ने शेयर किया है। हाउ टू कट अदर काइट बेस्ट ट्रिक, ठीक है दोस्तों, इसको भी किसी ने शेयर नहीं किया है, खैर कोई बात नहीं दोस्तों। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको पसंद आए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी ग्रुप्स में, और कहने का मतलब अगर आप पोस्ट करना चाहो तो उसको पोस्ट भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों मैं आपको सब्सक्राइब के लिए चैनल को या फिर अपनी वीडियो को लाइक करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, ये सब जो कि है वो आपकी मर्ज़ी है। आपको लाइक करना है लाइक करिए, अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, बिकॉज इसके अंदर बजट बहुत ज़्यादा लग गया है। लगातार 3 दिन मेहनत करने के बाद जो कि मैं आपके सामने वीडियो शो कर पाया हूँ, आई होप आप मेरी थोड़ी सी मदद करेंगे, लोगों तक आप जो कि वो शेयर करवाएंगे। बिकॉज दोस्तों इसके अंदर मेरा जो कि मेन मोटिव है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो केवल और केवल यही है कि मैं चाहता हूँ कि दोस्तों जितना मुझे आता है उतना ही मैं आपको बता पाऊँ। हालांकि मुझे थोड़ा बहुत ही आता है, लेकिन मैं आपको जो कि है जितना काफ़ी लोग मुझसे सीखना चाहते हैं मैं केवल और ये वीडियो उनके लिए ही बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आपको अगर इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है तो केवल वही लोग मैसेज करें जो पतंग को परचेज करना चाहता है, अनदर काफ़ी जो कि वो फेक अकाउंट से जो कि मैसेज आते हैं, तो इस वजह से मुझे काफ़ी लोगों को इग्नोर करना पड़ता है। तो ये तो आपको पता ही कि ये हमेशा हर किसी के साथ में होता है, बिकॉज आपको खुद को ये चीज समझनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।